हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अब अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है सीजीएल टायर 2 का एग्जाम जो है कल से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी 2 मार्च। ठीक है, तो सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइएगा। आपने इतना माइंड में हमेशा रखना कि जो आपने अब तक पढ़ा है अपना बेस्ट पढ़ा है, अब कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज की जो वीडियो रहेगी वो आने वाले आपकी जो शिफ्ट बनेंगे उन सबके लिए भी फायदेमंद होगी, जो भी हमारे सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और सीएचएसएल टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। और इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये वीडियो जो है आपका नंबर सीरीज पर पार्ट 2 रहेगी। पार्ट 1 में इससे पहले हमने क्या किया था, टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने कवर किया और देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है टीसीएस ने आपके एग्जाम में अब तक पूछा है और लेटेस्ट क्वेश्चन सभी के सभी। और आपने देखा होगा कि उसको कोशिश मैंने ऐसे की है कि आपको बिल्कुल इजी वे में उनको समझाऊं। मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको जो अप्रोचेस आपने लगानी है एग्जाम में वो चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, 5 से 6 मेथड है, उनको ध्यान रखिएगा मन में कि आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी आए आपने सबसे पहले वो 4 से 5 लॉजिक्स जो मैंने आपको बताए हैं सबसे पहले पुट करने हैं। ठीक है, अगर एक नहीं लगा तो दूसरा नहीं लगा तो तीसरा नहीं लगा तो चौथा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। और एक और बात, और आप सभी को पता है कि आपकी प्रिपरेशन जो भी है जितनी भी आपने की है बेस्ट दी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एग्जाम में आपको जितना अच्छा आता है उतना कीजिए, लेकिन सही क्वेश्चन कीजिए, गलत अटेम्प्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में खास ये है कि हम अगले 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो जो है आपके सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएसएल टायर 2 के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। इसके इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को भूल सकते हो, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि 1000 या 500 क्वेश्चन ना लेके मैंने टॉप 40 क्वेश्चन वो लिए हैं जो बार बार अब आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी साथियों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ये सभी के सभी आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और अगेन पूछे जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न में वो पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पहला 21st क्वेश्चन देखिए, 59 है, फिर 59 है, फिर 61 है, 183 है, 187 है, और फिर आगे क्या आएगा आपसे ये पूछा गया। तो एक बात मुझे बताओ, जब आपको ना ऐसे सिचुएशन में जब आपको दो सेम नंबर देखे यहां से आपको कुछ ना पता लग रहा हो, तो आप ना इन दोनों नंबर को छोड़ के पहले इनको देखो कि इसमें कितना गैप है, क्या ये गैप प्लस के हिसाब से अगर करेंगे, मतलब इसमें अगर देखेंगे डिफरेंस के हिसाब से हमें लॉजिक पता लगेगा या फिर मल्टीप्लाई करके, तो आप सभी को पता है 60 × 3 क्या होता है, 180 होता है, और ये नंबर जो है 180 के करीब है, लेकिन यहाँ पर 60 नहीं 61 है तो 61, लेकिन सोचा हमने क्या, सोचना क्या है 60, 61 है, तो 61 × 3 कितना होता है, तो आप देखोगे 61 × 3 कितना होता है, 3 × 3 = 18, 183, यानी 61 × 3 = 183। अच्छा, 183 और 187 के बीच देखिए कितना गैप है, क्योंकि गुना तो ये है नहीं, गैप देखिए फिर कितना, तो ये +4 का। तो आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए 3, 4, लेकिन 3 कैसे गुना करके, 4 कैसे प्लस करके, तो क्या यही सब पैटर्न यहां पर तो नहीं शुरू हो रहा। तो देखिए 59 से 59 कैसे हो रहा है, तो गुना अगर आप 1 करोगे 59 × 1 59 होता है। ठीक है, और 59 और 61 के बीच में कितने का गैप है बताओ, तो इनके बीच जो गैप है वो है 2 का, यानी +2। तो शायद अब आपको पैटर्न पता चल रहा होगा कि एक बार इन्होंने क्या किया, नंबर देखो कॉन्टिन्यूसली, नंबर जो है आपके कॉन्टिन्यूसली 1, 2, 3, 4 है, लेकिन किस फॉर्मेट में, पहले 1 को गुना किया गया है, फिर 2 को अगली बार प्लस किया गया, फिर 3 को गुना किया, फिर 4 को अगली बार प्लस किया, तो अब जो 5 होगा उसको क्या करेंगे, गुना,
और गुना किसमें 187। तो बताओ 187 इंटू 5 कितना होता है, 535 का 5 ऊपर आया 3, 55 40 40 और प्लस 3 43 का 3 ऊपर आया 4, 5 एकम 5, 5 प्लस 4 9, यानी 935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आप इस पैटर्न को देखिए, ये 935 कैसे है तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक एक नंबर है, दो तीन चार पांच, ये नंबर जो है कॉन्टिन्यूसली एक दो तीन चार पांच इस तरीके से हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, एक को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो दो आता है दो को प्लस किया है, फिर इसका मतलब है कि तीन को आगे फिर गुना किया गया है, फिर चार को प्लस किया गया, फिर चार के बाद पांच को गुना करेगा, फिर छह को प्लस करेगा। तो ये पैटर्न इस तरीके से चल रहा था, एक दो तीन चार पांच, लेकिन एक बार गुना करके फिर अगले नंबर को प्लस करके इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी पैटर्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया, एक बार देखिए ध्यान से इसको, और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, चार के बाद पांच, पांच के बाद तेरह, तेरह के बाद बाईस, बाईस के बाद छियासी, छियासी के बाद 111। देखिए जब नंबर में डिफरेंस, जब नंबर में गैप मतलब डिफरेंस कम हो, तब आप क्या सिंपल डिफरेंस ले लिया करो इसका, मतलब गैप अगर कम लग रहा है आपको आसपास के नंबर, देखिए पांच जो है चार के आसपास है, तेरह जो है ये भी ज्यादा गैप नहीं है, पांच के आसपास ही है। तो देखो चार से पांच कैसे हुआ, तो आप बोलोगे सर प्लस वन करके, पांच से तेरह कैसे हुआ तो ये प्लस एट करके, ठीक है। फिर तेरह से बाईस कैसे हो गया, प्लस बारह में से नौ, ठीक है ओके। उसके बाद छह में से दो गया चार, आठ में से दो गया छह, 64, ठीक है। उसके बाद छियासी से 111 कैसे हुआ, ग्यारह में से छह गया पांच, दस में से आठ गया दो, यानी 25 करके। फिर आगे क्या आएगा आपसे पूछा गया, तो देखो नंबर्स जब आप गैप लेते हो ना, तो एक बार इस चीज को भी ध्यान रखा करो, क्या नंबर्स जो है आपके, ये जो नंबर का गैप है एक आठ नौ, ये आपके इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या फिर प्राइम नंबर्स है। अगर ये फेल हो जाए तो क्या, देखो क्या ये स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का पैटर्न चल रहा है, या फिर क्यूब का चल रहा है, या फिर क्यूब और स्क्वायर का मिक्सचर चल रहा है, क्यूब और स्क्वायर का आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, एक से तो आपको पता नहीं लगने वाला, क्योंकि एक जो होता है स्क्वायर भी होता है और एक जो होता है आपका क्यूब भी होता है। यहां से अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप यहां पर जंप कर सकते हो। आठ क्या होता है, आठ किसी का स्क्वायर नहीं है बल्कि क्यूब है, क्यूब किसका होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर ये क्यूब जो होता है, ये होता है क्यूब दो का, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो का क्यूब होता है। अच्छा नौ जो है किसी का क्यूब नहीं है, नौ जो है किसी का क्यूब नहीं है बल्कि ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तीन का, ठीक है। अब चलते हैं 64 के पास। अब 64 देखो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो देखो 64 किसका आपका क्यूब है, फोर का, तो चार चौके 16, 16 चौके 14, और स्क्वायर भी आठ का होता है। पहले चार करके देखते हैं हम, चार चौके 16, 16 चौके 14, ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें ना फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। अच्छा पांच बताओ, पांच किसका स्क्वायर होता है या फिर क्यूब होता है, आप बोलोगे सर पांच तो स्क्वायर होता है क्यूब नहीं होता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। इन यहां पर अगर इन दोनों को छोड़ोगे एक आठ को, तो देखो पहले तो क्यूब है फिर स्क्वायर है, क्यूब है फिर स्क्वायर है, फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद क्यूब आएगा, और क्यूब किसका आएगा ये भी बता दो मुझे। देखो दो का क्यूब, फिर तीन का स्क्वायर, फिर चार का क्यूब, फिर पांच का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, छिकम छिकम 36, 36 छिके 216, पांच का आपने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो अगला आपका क्या आना चाहिए, छ, और छ का स्क्वायर या फिर क्यूब, तो आप बोलोगे सर छिकम छिकम 36, और 36 छिके क्या होगा, छिकम छिकम 36 और 36 छिके क्या होते हैं मेरे भाई, 216 होते हैं। छिकम छिकम 36 और 36 छिके क्या होगा, 200। एक बार क्वेश्चन चेक करते क्या हमारा ये क्वेश्चन यही था, ठीक है। देखो छिकम छिकम 36, 36 छिके 216, तो 216 देखो यहां पर आप 216 लिखो, 216, ठीक है। और आपको पता है ये 111 कैसे है, तो 86 में आपने 25 को जोड़ा तब आपको 111 मिला, तो आप 111 में 216 को जोड़ो तो यहां पर ये नंबर क्या है वो मिल जाएगा,
तो 216 प्लस 111 करो, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 1 2, 3, 2 प्लस 1 3, 327, यहां पे क्या आएगा आपका 327, 327 इज द राइट आंसर। तो आपने पैटर्न को क्या, आपने क्या पैटर्न को पहचाना, एक्चुअल में चल क्या रहा था, देखो एक्चुअल में चल क्या रहा था, आपने क्या पैटर्न को पहचाना, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या आपको पैटर्न समझ में आया या फिर नहीं आया। तो अब देखोगे सर, एक बार ये देखो क्यूब, यहां पर देखो एक का क्यूब तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर कॉन्टिन्यूसली क्यूब्स हो जाएंगे। एक बार देखो इन्होंने क्या किया, क्यूब लिया, दो का क्यूब लिया तो अगली बार तीन का स्क्वायर लिया, चार का क्यूब लिया तो अगली बार पांच का स्क्वायर लिया, इसलिए यहां पर एक का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, यानी एक का स्क्वायर दो का क्यूब, यानी ये किसका, ये जो पैटर्न था आपका, ये आपका क्यूब एंड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन था। आई बात समझ में, ये जो पैटर्न था आपका क्या था, क्यूब एंड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे पैटर्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ नंबर सीरीज पे, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न देखो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो ऐसे पैटर्न आपके टीसीएस ने एग्जाम में आपके पूछे हुए। इन वीडियोस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपके सभी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसके ऑप्शन भी रखूंगा आपके लिए, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन पहला है इसका 91, फिर है आपका बी ऑप्शन 112, फिर सी ऑप्शन है आपका 78 और डी ऑप्शन है आपका 106। इस क्वेश्चन से मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी लिए आपको। देखो जब कुछ ना पता चल रहा हो तो आप सबसे पहले ना देखो नंबर्स का गैप ज्यादा तो नहीं है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दस है, यहाँ पर कुछ होगा, तो आप क्या किया करो, सबसे पहले ना डिफरेंस पे काम किया करो। तो तीन और पांच के बीच में बताओ कितने का डिफरेंस है, दो का। पांच और पंद्रह के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर दस का डिफरेंस है। पंद्रह और इकतालीस के बीच में कितने का डिफरेंस है, ग्यारह में से पांच गया छह, तीन में से गया दो, यानी छब्बीस का, ठीक है, छब्बीस का डिफरेंस है। अब यहां पर क्या डिफरेंस है हमें नहीं पता, और यहां पर क्या डिफरेंस है हमें नहीं पता, लेकिन अगर यहां पर आपको नहीं पता चला तो अब आप और क्या कर सकते हो, अगेन आप स्टेप बना दो, दो और दस के बीच में कितने का गैप है, आप बोलोगे सर आठ का गैप है। दस और छब्बीस के बीच में बताओ कितने का गैप है, सोलह का गैप है, और आगे आपको नहीं पता कि यहां पर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन आप पैटर्न ना पहचानो, यहां से अगर आपको नहीं पता चला, अगेन आपने स्टेप बनाया तो आपको मिला है आठ, और फिर उसके बाद आठ का डबल। अब दो चीजें आपके माइंड में घूमेंगी, और अपने क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा चेक करना होता है। देखो आठ यहां पर गैप है, फिर यहां पर गैप क्या है, आठ का डबल, तो क्या यहां पर जो गैप आएगा वो सोलह का डबल होगा। तो देखो सोलह का डबल क्या होता है, बत्तीस। यहां पर अगर मैं यहां पर 32 लिखूं तो देखो 41 प्लस 32, यानी 41 प्लस 32, 2 प्लस 1 3, 4 3 7, 73 होता है। यानी यहां पर क्या आएगा, अगर मैं 32 यहां पे रखता हूं, क्योंकि देखो यहां पे 8 का गैप है, यहां पे 16, तो मैंने समझा कि 8 का डबल यहां पे हो रहा, तो 16 का डबल 32 यहां पर आएगा। तो अगर मैंने 32 को 41 में जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 73। क्या आपके ऑप्शन में 73 आपको दिख रहा है, इतना बता दो, क्या आपके ऑप्शन में 73 दिख रहा है, वन मिनट, इसके ऑप्शन आई थिंक, ठीक, एक मिनट इसका चेक करना पड़ेगा मुझे, क्या हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया या फिर नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर आना, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर आना। अगर मैंने यहाँ पर 32 माना होता
तो यहाँ पर क्या था ये बात ये थी, ठीक है। तो देखो 26 में अगर 32 जोड़ोगे, 26 में अगर 32 जोड़ते हो, 6, 2, 8, 3, 2, 5 58 होता है, 58 होता है। देखो 41 में 58 को जोड़ो, 8, 1, 9, 4, 5 और 99, क्या आपके ऑप्शन में 99 मिला? मतलब यहाँ पर अगर हम मैं 32 जोड़ता हूँ, यानी 8, 8 का डबल 16, और मैंने अगर माना कि ये सारे की सारी जो सीरीज है डबल हो रही है, मतलब पैटर्न आपका डबल हो रहा है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, अगर मैं 32 मानता हूँ यहाँ पर, तो 32 मानता हूँ, तो देखो 32 के हिसाब से 26 प्लस 32 कितना 58 होता है, और 41 में 58 जोड़ोगे तो आपको 99 मिला। क्या आपके ऑप्शन में 99 है? आप बोलोगे सर 99 तो नहीं है, यानी आप जो अज्यूम करके चल रहे हो कि 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, वो आपका अज्यूम जो है गलत है, यानी यहाँ पर डबल तो नहीं हो रहा, तो कुछ और हो रहा होगा, क्या पता 8 की टेबल के फॉर्म में ये पैटर्न चल रहा हो, तो 8, 8, 8 × 16, 8 × 3 = 24। तो अगर मैं यहाँ पर 24 मानता हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताओ क्या आएगा? तो देखो 26 प्लस 24 कितने होते हैं, आप यहाँ पर जोड़ो 26 प्लस 24, 4, 6, 10 का 0, हां सेलेक्ट, 2, 2, 4 50, यानी 50 होता है, तो यहाँ पर 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 50 आ चुका है, ये जो था 2, 10, 26 फिर 50 आ गया, ठीक है। अब 41 में 50 को जोड़ो, 41 में अगर आप 50 को जोड़ते हो, 1 × 1, 4, 5, 9, 91, यहाँ पर 91, तो क्या 91 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? आप बोलोगे सर है, बिल्कुल अवेलेबल है, तो बिना कुछ सोचे आंख मूंद के आप 91 को टेक कर सकते थे, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के क्या आ जाएगा, 91। तो आपने इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आप श्योर हो सकते हो नंबर सीरीज के क्वेश्चन के लिए, कि जो भी आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 23 क्वेश्चंस को अब तक हमने कवर कर लिया है, अब चलते हैं हम अपने 24th क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को, और आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलती है, तो आपको पता है कि रीजनिंग विला चैनल एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो आपको ओरिजिनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, और बिल्कुल डीपली हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, कवर करते हैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली, ताकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और मेरे सभी साथियों का मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है। तो इसी आशा और भरोसे के साथ चलते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ के आई थिंक आपको ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी, बट ये ध्यान रखिएगा जो ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि लिमिटेड कंटेंट वो लोग कराते हैं, हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते, आपको फुल कंटेंट देते हैं, बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो चैनल को, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपको जब चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपने उन क्वेश्चंस को भी देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आपको ऑफलाइन में कराया नहीं जाता, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यही सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल पर नए हो, वीडियो आपको अच्छे लगते हो, तो शेयर जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया करो, लाइक और शेयर का, ठीक है। इतना तो मुझे नहीं बोलना था, आप लोग खुद ही कर दिया करो यार, है ना, सोशल मीडिया का जमाना आपको सब पता ही है, मुझे तो भाई पढ़ाना ही आता बस। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 24th, देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला 24th क्वेश्चन क्या कहता है, पहले 6 दिया है आपको, फिर 7 दिया है, फिर 23 दिया है, फिर 41 दिया है, फिर 125 दिया है, फिर यहां पर क्या आएगा वो आपसे पूछा है, ठीक है, वो आपसे पूछा है। इसके बाद 25th क्वेश्चन करते हैं, 25th क्वेश्चन है आपका, 35 दिया है, फिर आपको 35 दिया है, फिर आपको 33 दिया है, फिर आपको 99 दिया है, फिर 95 दिया है, फिर आपको 475 दिया है, और आगे क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है। 26th क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, 26th क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले 8 दिया है, फिर दिया है आपको 24, फिर 48, फिर आपको दिया है 80, फिर
यहाँ पर क्या आएगा वो आपसे पूछा है, उसके बाद दिया है 168। तो चलो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चन को हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए कि चल कह रहा है। आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और यहाँ पर ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी ट्राई करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ मैं 2 मिनट दूंगा, जल्दी से पैटर्न पहचानिए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स ईमानदारी से पूरा अपना आंसर दीजिए, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी इस वीडियो में 2 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोग पहले ही अपने आंसर बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा तो अपने आंसर आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एज ए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखिए सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। बताइए क्या चल रहा है इसमें। पैटर्न को पहचानिए, पैटर्न को, कि पैटर्न चल कर है। ये वो सभी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत मॉडरेट शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन ये, और ऐसे क्वेश्चन के दोबारा आने के चांसेस होते हैं। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, आई होप आप सबका आंसर आ गया होगा। क्या पहले का आंसर गलत है, दोबारा चेक करो। पैटर्न को पहचाना बेटर होगा, कैसा होगा? नहीं, 240 गलत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा सबसे ध्यान से, सब देखिए 6, 7, 23, 41, 125। अच्छा, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन, अगर आप इसका गैप लेते हो तो देखो गैप तो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे क्वेश्चन में देखो 23 के बाद 41, आप इसको यहां से इस पैटर्न को पहचान सकते थे कि 23 का जो दुगना होता है वो 46 होता है, और ये 41 है, कहीं ना कहीं 46 के करीब है। तो यहां पर हो सकता है मल्टीप्लाई का कुछ चल रहा हो, ठीक है। यहां से अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो यहां से देखो, 41 को मत देखो, 41 से पहले 40 को देखो, 40 का 3 गुना कितना होता है, 120 होता है, और ये नंबर 120 के करीब है। तो कहीं ना कहीं ये 123 के करीब भी होगा, क्योंकि 41 गुना 3 क्या होता है, 123 होता है, और लेकिन ये 123 ना होके 125, यानी 2 इंक्रीज किया गया। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या किया गया होगा। यहाँ पे 41 का 3 गुना, देखो 41 का 3 गुना 3 एक 3 3 चौके 12 123 होता है, लेकिन 125 तो क्या किया गया, +2 किया गया, यानी 41 का क्या किया गया यहाँ पे, 3 गुना, 41 का 3 गुना +2 किया गया, ठीक है। और 23 से 41 कैसे आया होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो 23 दुनी होता है 46, लेकिन 46 तो है नहीं, 46 में क्या किया गया, -5 किया गया, तो आप भी -5 कर दो, ठीक है। अब ऐसे ही इसको पहचानो, ये देखो 7, 7 3 21, 23 जो है 21 के करीब है, लेकिन किया क्या है, 21 ना लिख के 23 लिखा गया। तो 7 से 23 कैसे पहुंचा जा सकता है हमारा, 7 का 3 गुना 7 3 21, 21 में +2 जोड़ो तो आपको 23 मिल जाएगा। यानी कुछ कुछ आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि पैटर्न चल कर, देखो ये -3 +2 यहां पर मिला, फिर -3 +2 यहां पर मिला, यानी अल्टरनेटिवली पैटर्न यही चल रहा है कि एक बार -2 -5 है और अगली बार -3 +2 है, पैटर्न यही चल रहा है। चलो 6 एकम 6, देखो 6 दुनी 12 -5 7 होता है, 6 दुनी 12 -5 7 होता है। तो देखो -2 -5 एक ये, और फिर एक बार छोड़ के फिर ये, फिर एक बार छोड़ के यहां पर सेम पैटर्न चलेगा। यहां पर देखिए 2 लॉजिक चल रहे हैं, -2 -5 फिर -3 +2, यानी कॉम्बिनेशन 2 लॉजिक का चल रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार यहां पर -2 -5 फिर एक को छोड़ के यहां पर एक -2 -5 फिर इसको छोड़ के यहां पर -2 -5, यानी 125
125 गुना आप करोगे पांच, सॉरी गुना दो करोगे कितना होता है 250 होता है। और 250 में क्या करना आपने, क्योंकि देखो ये वाला पैटर्न चल रहा है, गुना दो माइनस पांच, 250 में माइनस पांच घटाओ तो क्या मिलेगा 245, यानी 245 इज द राइट आंसर। यानी यहाँ पर पैटर्न क्या चलाना था आपने, गुना दो माइनस पांच, ठीक है आई बात समझ में। ये भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है थोड़ा ध्यान रखा जाए ऐसे क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि उसमें क्या है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, अगर अच्छी लग रही वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर का बटन दबा देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 35 अगेन 35 आ गया, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको सेम चीजें मिल रही हैं तो आप इन इनको छोड़ के आगे पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो। अच्छा आपको देखो 33 के बाद 99, तो आपको पता है 33 का तीन गुना होता है 99, 33 तीन 99, ठीक है, और 99 के बाद देख लो 95, तो क्या किया गया, कितना कम, कितना गैप है, माइनस 4 किया गया, ठीक। अच्छा ठीक है, 95 का देखो क्या किया गया यहाँ पे, जो 475 आपको मिला, कोई गैप तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्या हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो देखो 90, 9 पंजे 45, अगर 90 गुना 5 करते हो तो 450 होता है, लेकिन यहाँ पे 90 देखो 95 है, लेकिन 95 इसको मत देखो, 90 देखो, 90 गुना 5 कितना होता है 450 होता है, और तो 95 गुना यानी इसमें पक्का मल्टीप्लाई चल रही है, मल्टीप्लाई किससे वो भी देख लेते हैं, 95 गुना 5 करोगे, 25 का 5 ऊपर आया 2, 45 46, देखो यहां पर गुना 5 किया गया तब आपको ये 475 मिला। तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न पता चल रहा होगा, 3 4 5, 3 4 5 और आगे क्या आएगा 6, लेकिन वो 6 किस तरीके का होगा, माइनस 1, तो कुछ पैटर्न समझ में आया, गुना फिर माइनस गुना फिर माइनस, लेकिन नंबर्स जो है आपके कॉन्टिन्यूसली जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आपके चल रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या चल रहा होगा पैटर्न, 35 से 35 आप कैसे आ सकते हैं, 35 गुना 1 35, और 33 कैसे आया, 35 माइनस 2 33। अब आपको पैटर्न तो पक्का समझ में आएगा कि 1 2 3 4 तो कॉन्टिन्यूसली नंबर्स जो आपके नंबर होते हैं 1 2 3 4 वो बढ़ते क्रम में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लेकिन लॉजिक क्या चल रहा है, एक बार गुना दूसरी बार माइनस, एक बार गुना दूसरी बार माइनस, एक बार गुना दूसरी बार माइनस, तो देख रहे हो एक एक नंबर, 2 3 4 5 नंबर, तो अगला नंबर क्या आएगा 6, लेकिन उस 6 नंबर गुना हो गया या फिर माइनस, तो आपको देखो पैटर्न पहचानना है, एक बार गुना माइनस, तो यहां पर अगर गुना है तो अगला जो नंबर होगा वो किस में होगा, माइनस होगा, यानी 475 में से 475 में से 6 को घटाओ, 15 में से 6 गया 9, ऊपर से उतारा 6 फिर 4, 469 इज द राइट आंसर, 469 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, अब आपको पैटर्न समझ में आया, बताओ अब तो आ गया होगा कि चल क्या रहा था, तो इसी तरीके से पैटर्न को पहचाना जा रहा है। अगर शुरुआत से आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप आगे बढ़ जाओ, आगे से देखो, आगे से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना, घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हो, 8 3 24, तो 24 2 48, तो अगर ये आगे चलता 48 गुना 3 और गुना 2 तब चल सकता, बट यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज हो गया, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जब आप फंस जाओ तो गैप ले लिया करो, 8 और 24 के बीच में कितने गैप है बताओ, 16 का, ठीक है, और इसके बीच में कितने गैप है तो आप बोलोगे 24 का, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 7 में 4 गया 3, 32 का, तो कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, कुछ बताओ नजर आ रहा है, फिर यहां पर क्या आएगा और फिर उसी के साथ यहाँ पे क्या आएगा। देखो 16 अगर यहाँ पर भी नहीं पता चल रहा, अगेन इसके स्टेप बना सकते हो, 16 और 24 में कितने गैप है तो आप बोलोगे 8 का, 24 और 32 में कितने गैप है तो आप बोलोगे सर 8 का, तो यहाँ और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसमें भी तो 8 ही का गैप होगा, तो प्लस 8 यानी 32 प्लस 8 कितना होता है 40, 32 प्लस 8 कितना होता है 40, लेकिन यहाँ पर 80 प्लस 40 120 आएगा या फिर क्या आएगा, इसको इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी हम आगे फिर से करते हैं,
इसको कि क्या ये 168 अगेन इसी फॉर्मेट से आ रहा है या फिर नहीं। तो अगर हम प्लस 8 यहाँ पर करते हैं तो 40 प्लस 8 48 होता है, और अगर हमने यहाँ पर 120 माना है तो 120 में आप 48 को जोड़कर देखो कि आपको 168 मिल रहा है, 8 4 2 6 1 बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी हमने जो अज्यूम किया था कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है तो बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी 120 आएगा, ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि पक्का 120 आएगा, ठीक है। तो पैटर्न को इस तरीके से पहचाना जाता है। यहां से नहीं पता चल रहा, कोई क्वेश्चन होगा जो आपको शुरुआत से नहीं पता चल गया, आप आगे देख लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन को चेक भी करना स्टेप वाइज बना के, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक हमने 26 क्वेश्चन को कवर कर लिया, ठीक है। अभी तक तुम्हें आपको पता है कि मैं ऑफलाइन पे भी मतलब बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप सभी का साथ रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बट आपसे ही रिक्वेस्ट है भाई, शेयर जरूर किया करो। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 28 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सॉरी 27 क्वेश्चन अभी आपका शुरू होगा। 27 क्वेश्चन देखो क्या है, 27 30 37, फिर है आपका 50, फिर आगे क्या आएगा आपसे पूछा है, उसके बाद है 98, ठीक है। 28 क्वेश्चन करते हैं, 28 क्वेश्चन आपका 4 11, फिर 31, फिर 65, फिर 193, फिर आगे क्या आएगा आपसे पूछो। सॉरी 29 क्वेश्चन, 4 5 19 71, और आगे क्या आएगा आपसे। चलो करते हैं स्पीड इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो ये बहुत आसपास नंबर है, इनको आप क्या कर सकते हो, इनका आप गैप ले सकते हो। 27 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 3, मतलब 27 से 30 कैसे हुआ, प्लस 3 करके। 30 से 37 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर प्लस 7 करके, ठीक है। 37 से 50 कैसे हुआ, तो 10 में से 7 गया आपका 3, 4 में से 3 गया 1, 13, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा आपसे पूछा है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा तो आप चेक कर कैसे करोगे, जो भी आप लॉजिक लगाओगे यहाँ पर भी अप्लाई करके देखो क्या ये 98 मिल रहा है या फिर नहीं। तो आपको अगर आप देखोगे तो कहीं ना देखो पहले 3 का गैप है, फिर 7 का है, फिर 13 का है, और फिर जो भी होगा यहाँ पर आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 7 13 3 7 13 3, देखो 2 3 5 7 11 13, ये सभी वो नंबर्स होते हैं जिनको देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। घंटी कौन सी, प्राइम नंबर की। आप सभी को पता है जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे, वो होते हैं, वो स्टार्ट कैसे होते हैं, पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है आपका, फिर 27 आता है, फिर 29 आता है, 27 नहीं सॉरी 29 आता है, फिर 31 आता है। आप देखोगे इस सीरीज में भी जो नंबर का गैप है वो प्राइम नंबर है। 3 के बाद देखो आता तो 5 है, लेकिन क्या किया इन्होंने, एक प्राइम नंबर को छांट दिया है, मतलब एक प्राइम नंबर का गैप ले लिया इन्होंने और अगला प्राइम नंबर का लिखा है यहाँ पे। 3 का गैप, फिर 7 का गैप, यानी 5 गया यहाँ से, फिर 7 आया, देखो 2 तो आया नहीं, सीधा 3 से शुरुआत। देखो प्राइम नंबर ऐसे क्वेश्चन में कहीं से भी शुरू किया जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 से ही स्टार्ट हो। पहला प्राइम नंबर आपका 3 है, 3 के बाद देखो 5 को छोड़ा है, 7 का गैप है, फिर 11 को छोड़ा है, 13 का गैप है। तो आपको क्या लगता है ये 13 जो आ सकता है, 13 के बाद क्या 17 आएगा, 17 नहीं, जैसा इसने छोड़ा आप भी छोड़ो, 17 को छोड़ो, यानी 19 का गैप आपने लेके आना है, यहाँ पर प्लस 19 करो। तो 50 में प्लस 19 करो, 9 5 1 6 69, अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर
69 है। अब आप क्या करोगे, 19 के बाद देखो 23 को नहीं लोगे, 23 के बाद क्या लोगे, 29 को लोगे, यानी 98 को चेक करोगे क्या, 29 जोड़ने पे 69 में 29 जोड़ने पे 98 बन रहा है। अगर बन रहा है तो हाँ, आपका अज्यूम जो आपने किया था कि प्राइम नंबर के चल रही है तो हाँ चल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं 29 जोड़ता हूँ, यानी 19 के बाद 23 को हटा दिया, 29 अगर लिया यहाँ पे, तो 69 प्लस 29 9 18 का 8 आंसर आया 1 6 2 8 9 98। बिल्कुल करेक्ट अज्यूम था हमारा कि ये प्राइम नंबर की ही, मतलब प्राइम नंबर का ही गैप चल रहा था, एक एक प्राइम नंबर छोड़ के। 19 के बाद देखो 23 जो है प्राइम नंबर आता, बट 23 को नहीं लेके क्या लिया, 29 लिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी आपके एग्जाम में डाले जाते हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो क्या आपको चीजें समझ आ रही है, क्या क्या पैटर्न क्या चल रहा है वो बताओ मुझे। तो देखो यहां से अगर देखो 4 से 11 नहीं पता लग रहा, आप आगे देख लो, 11 से 31 चेक करो। अब आपको पता है 11 से 31 देखो 11 के पहाड़े में 11 3 33 आता है, बट ये तो 31 है। तो क्या करोगे, क्या किया गया होगा इसमें, 11 3 33 माइनस 2 तब आपको 31 मिला। अच्छा 31 से 65 कैसे हुआ, तो 31 से 65 आप नहीं पता लगा रहे हो तो 32 से 64 पता लगाओ, 32 दुनी 64, लेकिन ये तो 65 है। तो आप ऐसा करो, मतलब 31 दुनी क्या हो सकता है 62, और ये 65 62 के कहीं ना कहीं करीब है। तो किस तरीके से 31 से 65 आप पहुंच सकते हो, 31 का पहले डबल करोगे, 31 दुनी 62, और 62 में क्या जोड़े की 65 मिल जाए प्लस 3। तो पैटर्न कुछ आपको अगर यहां से अभी भी श्योर नहीं हो तो आगे इसको भी पता लगाओ कि 65 से 193 आप कैसे पहुंच सकते हो। तो 65 से नहीं पता तो 60 से पहले आसपास के नंबर से चेक कर दे, 60 × 3 180 होता है। ठीक है, 65 × 3 अगर करें, 65 × 3 3 × 5 = 15 का 5 आंसर आया, 3 × 6 = 18 19 195। 65 × 3 कितना होता है 195, बट ये 193 है। तो इसमें किया क्या है, 65 × 3 तो पहले किया है बट माइनस 2। तो पैटर्न अब कुछ समझ आया आपको, 3 × 2 फिर एक का, फिर ये छोड़ के इस लॉजिक को छोड़ के फिर अगले लॉजिक में भी, अगले मतलब चीज में भी आपका अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव मीन्स यहां पर आपका 3 × 2 हुआ तो यहां पर छोड़ के यहां पर 3 − 2। तो इसका मतलब ये जो 2 + 3 है यहां पर, इसको छोड़ के यहां पर भी सेम लॉजिक चल रहा होगा 4 से 11, यानी 4 से 11 कैसे, 4 × 8 + 3 = 11। अब लॉजिक मिल चुके आपको, क्या चल रहा है, पहले 2 + 3 का, फिर आगे 3 − 2 का, फिर 2 + 3 का, फिर आगे 3 − 2 का। तो अगला जो आपका यहाँ पर नंबर आएगा वो किस लॉजिक से आएगा, 2 + 3 से। तो 193 का 2 से करो, 2 × 3 = 6 2 × 18 का 8 आंसर आया 1 2 × 2 = 386 386। लेकिन पैटर्न क्या चल रहा है, 2 के साथ आपने प्लस 3 भी करना, तो प्लस 3 भी कर दो, 6 3 9 8 3, यानी 389 इज द राइट आंसर। देखो पैटर्न को पहचानो, 3 9 3 8 9 इज द राइट आंसर। आई बात समझ, बताओ समझ आई सभी को चीजें। चलें आगे, चलें, चलो चलो अब चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। अब आप चेक करो कि 2 से 2 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 19 19 के बाद 71 किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। तो अगर आपको यहां से नहीं पता चल रहा, यहां से आप चेक कर सकते हो या फिर यहां से चेक कर सकते हो। देखो 19 के पहाड़े में कोई ऐसा नंबर जो 71 के पास आता है, तो आपको पता है 19 चौके होता है 76, 19 चौके होता है 76, लेकिन ये 76 तो है नहीं, 76 में कितना कम किया गया, -5। ठीक है, इस तरीके से पता लगाया जाता है। फिर 5 से 19 देखो किस तरीके से आ सकते हैं, 5 × 3 = 15 + 4 = 19, 5 × 3 = 15, या फिर इस तरीके से कर सकते हो, 3 × 5 = 15, सॉरी 5 तो है ही ऊपर, यानी 5 × 3, 5 से 19 कैसे पहुंच सकते हो, 5 × 3 + 4। ठीक है, अच्छा अब 4 से 5 भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, 4 × 8 − 3, 4 × 8 यानी 4 × 8 − 3। ठीक है,
अच्छा अब दो से चार भी पहुंच लेते हैं, तो आप एक चीज देख रहे होगे, गुना जो हो रही है हर एक पैटर्न में वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस जो नंबर है, दो तीन चार, पहले सबसे पहले गुना वाले को देखो, दो तीन चार, तो यहाँ पर जो गुना होगी गुना तो एक से होने वाली है। अच्छा दो से चार पहुंचने के लिए दो एकम दो होता है प्लस दो ऐड किया गया, आई बस समझ में। यहाँ पर देखो सबसे पहले गुना वाले पैटर्न यानी मल्टीप्लाई वाले पैटर्न को देखो, गुना एक गुना दो गुना तीन गुना चार, तो अगला बताओ क्या आएगा, गुना पांच, तो फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है। और इसमें क्या है, गुना एक प्लस दो गुना दो माइनस तीन गुना तीन प्लस चार गुना चार माइनस पांच। अब इसमें देखो, अब प्लस प्लस माइनस में देखो क्या किया गया, प्लस हो या गुना के बाद प्लस हो या फिर माइनस हो, हर एक पैटर्न में हर एक मतलब स्टेप में देखो, प्लस दो है माइनस तीन है, यानी दो तीन चार पांच छह, यहाँ छह तो आएगा लेकिन प्लस में आएगा पर माइनस में, ये कंफर्मेशन होगी यहाँ से। पहले स्टेप में प्लस दो किया है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ही आएगा, आई बात समझ में। ये नंबर कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्टिन्यूस नंबर थे, लेकिन एक बार गुना के ये पहला जो स्टेप चला था गुना के साथ, हर एक स्टेप में जो पहला जो स्टेप था आपका गुना के साथ, और ये जो दूसरा स्टेप था प्लस, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, और दो तीन चार पांच छह, और पहला नंबर कैसे चल रहा था, एक दो तीन चार पांच, तो हमने बना लिया। तो इकहत्तर गुना पांच क्या होता है, इकहत्तर गुना पांच, पांच एक पांच पांच, पांच सात पैंतीस, तीन सौ पचवंजा प्लस छह भी तो करना है, प्लस छह यानी 361 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर चलते हैं आगे। चलो अब चलते हैं हम अपने थर्टीएथ क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं अपने तीसवें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि तीसवां क्वेश्चन क्या है आपका। तीसवें क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले हैं और देखते हैं तीसवां क्वेश्चन क्या है। तो तीस क्वेश्चन है आपका तीसवां, थर्टीएथ क्वेश्चन है आपका, दस तेरह उन्नीस इकतीस, फिर है आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद दिया है आपको 103। इकतीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इकतीसवां क्वेश्चन है सात, फिर दिया है आपको 10, फिर 18, फिर 29, फिर आपसे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, और उसके बाद क्या दिया है 78, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ, 32 क्वेश्चन है 25, फिर है 26, फिर 53, उसके बाद है 160, फिर है 641, और आगे क्या आएगा आपसे पूछा गया। तो पहले इन क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो ये आसपास नंबर है तो आप गैप ले सकते हो, 10 13 में कितने गैप है, 3 का, 13 19 में 6 का, 19 और 31 में 11 में से 9 गया, 2 में से 1 गया, 1 12 का, फिर यहां पर क्या आएगा वो आपसे पूछा। तो आप देख रहे हो तीन का गैप, फिर तीन के बाद छह का गैप यानी तीन का डबल, और छह के बाद बारह के बाद यानी छह का डबल, तो अगला नंबर क्या आएगा, बारह का डबल यानी चौबीस। तो इकतीस प्लस चौबीस बताओ कितने होते हैं, इकतीस प्लस चौबीस चार एक पांच, तीन दो पांच, 55 इज द राइट आंसर। अगर आप आगे भी चेक कर सकते हो देखो कि यहां पर क्या आना चाहिए, तो देखो मतलब यहां से आया 103 कैसे आया, तो 24 का डबल क्या होता है 48, 55 प्लस 48 करोगे क्या आपको 103 मिला, 8 5 13 का 3 हंसल 1 5 4 9 10 बिल्कुल मिला, यानी हमने जो चीजें देखी थी पैटर्न को पहचाना था, बिल्कुल सही पहचाना था कि इसमें डबल हो रहे सभी सभी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आसपास ही नंबर तो आप गैप ले लो, सात से दस में कितने का गैप है, आप बोलोगे प्लस थ्री का, दस से अठारह में बताओ तो प्लस आठ का, फिर
29 से 18 के बीच में कितने गैप है, 9 में से 8 गया, 1 2 में से 1 गया, 1 फिर यहाँ पर क्या आएगा, और फिर उसी के हिसाब से इसको आप चेक करोगे क्या आपका सही बेटर। एक बार सभी इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, क्या आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है, क्या ये पैटर्न आपको समझ आया, या सॉरी यहाँ पर 18 नहीं 11 है, क्या आपको पैटर्न समझ आ रहा है, देखिए क्या आपको पैटर्न समझ। अगर आप अगेन स्टेप बनाओगे तो देखो 3 और 8 में 5 का गैप है, फिर 8 और 11 में 3 का गैप है, तो अगर इस पैटर्न चल दो एक बार 5 एक बार 3 तो यहां पर भी एक बार 5 का गैप होना चाहिए आपके हिसाब से। देखो अगर हम अज्यूम कर रहा हूं मैं एक चीज 8 देखो 3 और 8 में 5 का गैप है, 8 और 11 में 3 का गैप है, तो अगली बार 11 और यहां पर जो भी नंबर होगा उसमें 5 का गैप होगा, तो कितना लें 16, अगर 16 लेते 16 में से 5 के 11 ठीक है, तो अगर 16 को 29 में जोड़ते हो 9 से 15 का 5 आंसर 1 2 3 4 45। मैं देखता हूं क्या हमारे ऑप्शन में 45 अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो आप मैंने देखा इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी ये हमारा पैटर्न, हालांकि मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, बट मैंने देखा आपको बता रहा हूं तरीका इसको ऐसे क्वेश्चन को की अप्रोच कैसे किया दिए, आपके ऑप्शन में ना 45 तो अवेलेबल नहीं है, कोई और नंबर अवेलेबल है, यानी ये हमारा ट्रिक फेल हो चुका है, मतलब हमने जो स्टेप बनाए इसके ये कहीं नहीं हम कहीं ना हमें रॉन्ग नजर आ रहे, मतलब रॉन्ग अज्यूम किया है हमने, तो देख सकते हैं एक बार और कुछ और करके देखते हैं कि क्या, क्योंकि देखो अगर आप यहां पर वो नंबर लेते तो आपका 78 नहीं आने वाला था, ठीक है, यहां पर तो 11 का गया था, ठीक है ठीक है। तो एक चीज आप अगर आप देखोगे आपकी नजरें बहुत तेज होएंगे अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक मेरे माइंड में ना एक और चीज चल रही है, अगर हम पहले दो नंबर को जोड़े तो तीसरा नंबर प्राप्त होता है, यानी 3 + 8 क्या होता है 11, तो क्या मैं 8 और 11 को करूं तो यहाँ पे मेरे को अगर 19 अगर मैं रखता हूँ तो 19 रखने में क्या हमें जो नंबर यहाँ पर आएगा मिल रहा है, और फिर उसी के हिसाब से इसे भी चेक करेंगे, तो 8 और 11 कितने होते हैं 19 होता है, 19 होता है, तो 29 को 19 में जोड़ो, 29 + 19 9 और 18 का 8 आंसर है 1 2 3 4 48 अगर मैं रखता हूँ 48 ठीक है। अब मैं अगर 19 और इसको जोड़ता हूँ तो 19 + 11 9 + 10 का 0 आंसर 30 आता है, अगर मैं 30 यहाँ पे रखूं तो क्या 30 रखने पे 48 को 30 में जोड़ने पे 78 मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि देखो 48 + 30 78, यानी हमारा अज्यूम जो था इस बार बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो नंबर्स का गैप है ये वाला जो तीसरा नंबर मिला है इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद ये मिला है, फिर इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद ये मिला, फिर इन दोनों को जोड़ते हुए इस तरीके से पहले दो नंबर्स को जोड़ने का आपको जोड़ोगे तो तीसरा जो भी गैप होगा आपको पता लग जाएगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको देखते ही इसका आंसर दे दोगे, 25 से 26 कैसे आ सकता होगा, अगर आप गैप लेते हो तो 1 का गैप है और इन दोनों में तो बहुत ज्यादा गैप है, फिर यहां पर और ज्यादा गैप है, तो आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 25 और 1 जोड़ोगे तो 26 मिलेगा, ठीक है, और 26 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 53 के पास हो तो 52 होता है, तो 26 से 53 कैसे कर सकते हो, 26 × 52 + 1 = 53 होता है, ठीक है, फिर 53 × 3 अगर कर, यानी पैटर्न देखो, × 1 + 1 जिस नंबर से गुना उस देखो, × 1 + 1 तो अगला × 2 + 1 फिर अगला क्या आएगा × 3 + 1 यानी × 3 + 1 53 को अगर आपने गुना किया 3 × 3 = 9 × 3 = 159 + 1 = 60 देखो 60 अवेलेबल है, ठीक है पैटर्न आपने पहचान लोगे, तो यहाँ पर चेक ना करें, यहाँ पर सीधा चेक करो, × 4 + 1 होगा तो पक्का यहाँ पे × 5 + 1 होगा, तो 641 × 5 5 × 5 5 के बीच का 0 2 5 31 31 32 3205 + 1 भी तो करना है, यानी 3206 इज द राइट आंसर, 3206 इज द राइट आंसर, आई बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले सकते हो, यानी यहाँ पर चल कह रहा था × 3 + 1 और ये नंबर कैसे है × 4 + 1 तो अगला नंबर × 5 + 1 अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका, अब ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो 32 क्वेश्चन हम इस वीडियो में अभी तक कवर कर चुके हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 क्वेश्चन हमारे और रहेंगे उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल टायर 2 के लिए स्पेशल है, इनको बिल्कुल मत स्किप करना।
33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 33वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 23rd क्वेश्चन देखिए, 33 क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्वेश्चन नंबर रहने वाला है आपका 33 क्वेश्चन है। 4, 7 फिर 11 फिर 17 फिर 27 फिर है 45 और आगे क्या आएगा आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं आगे 34th क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक नहीं 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन अच्छे से पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और आपको भी आने चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा आपसे पूछा गया है, अगला है आपका 7, 3, 8 और अगला है 7, 4, 8 ये नंबर, ठीक है। और 35th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35th क्वेश्चन आपका 23, 29, 31, 37 फिर 41 फिर है 43 फिर आगे क्या आएगा आपसे। चलो करते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखो 4 से 7 कैसे है, 7 से 11 इनको करने के लिए हम पहले क्या लेंगे, इनका गैप लेंगे, क्योंकि देखो अगर गुना करते हो तो 4 × 2 = 8 -1 = 7 होता है, लेकिन ये 11 7 × 2 = 14 -3 = 11 11 से 17 11 × 2 = 22 कुछ इस तरीके से भी चल सकता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ गैप जो है दो नंबर के बीच में कम है तो आप सिंपल डिफरेंस ले सकते हो, 4 से 7 में कितना डिफरेंस है 3 का, 7 से 11 में +4 का, 11 से 17 में +6 का, इसके बीच में +10 का, 15 में से 7 = 8 3 में से 2 = 1 +18 का, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आपको पता लग रहा आप एक स्टेप और बना लो, 3 से 4 में कितना गया +1 का, 4 से 6 में +2 का, 6 से 10 में +4 का, 10 से 18 में कितने गए +8 का। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो, देखो 1, 2, 1 का डबल, देखो 1 का डबल फिर 2 का डबल फिर 4 का डबल, तो अगला जो भी नंबर इन दोनों के बीच में गैप होगा वो +16 का होगा, क्योंकि नंबर्स क्या हो रहे हैं स्टेप वाइज हमें बना के लॉजिक मिल चुका है कि 1 का डबल 2 फिर अगला कैसे प्लस किया है 2 का डबल फिर अगला कैसे प्लस किया गया 4 का डबल फिर 8 का डबल फिर इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, जैसे यहाँ पर इस स्टेप में आपको 3, 4, 6, 10, 18 मिला, तो 18 के बाद क्या मिलेगा, वो कैसे मिलेगा आपको, 18 को प्लस पहले 16 से जोड़ो, 18 प्लस 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 34। अब जोड़ो इसमें 45 में, 45 प्लस 34 कितना होता है 4, 5, 9, 4, 3, 7, 79 तो 79 इज द राइट आंसर और यही आपके ऑप्शन में दिया भी हुआ है तो 79 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसको कि ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, तो थोड़ा सा देखो ध्यान से, 12 से 15 कैसे आए तो +3 करने पे, 15 से 75 कैसे आ सकता है गुना 5 करने पे, ठीक है। तो 3, 5 आगे थोड़ा देखो कि 12 से 15 आपका +3 करने के बाद आया, 15 से 75 आपका कैसे है 15 से 75 देखो 15 से 75 कैसा है गुना 5 करने पे। अगर मैं यहाँ पे 3 के बाद 5, 5 के बाद अगर 7 लेता हूं, कैसे मैं कर रहा हूं 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मैं सोच रहा हूं कि क्या ये अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, तो अगर गुना 7 करता हूं और इसी के हिसाब से मैं आगे करता हूं तो ये नंबर मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मैं 75 × 7 करता हूं तो 75 × 7 = 35 का 5, 3, 7, 49, 50, 51, 52, 525 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 525 मिल रहा है तो अब मैं क्या करूंगा गुना अगर 9 करता हूँ तो 9 तो आई थिंक बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो इसमें और क्या चल सकता है देखो ध्यान से, 12 से 15 आया +3, ठीक है, 7 ये है आपका 738 कैसे आ सकता है, तो ये कैसा पैटर्न चल रहा है हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 12 + 3 = 15 ओके, अच्छा एक बार प्लस गुना, ठीक इस तरीके से फिर हो सकता है, करके देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। देखो एक बार क्या है, अगर हम इस तरीके से मान के चलते 12 से 15 एक बार 3 करके आए, 15 से 75 गुना 5 करके आए, तो हाँ कोई भी
अगला नंबर जैसे 3 5 अगर मैं 7 को मानता हूं तो 7 क्या होगा प्लस 2 अगर मैं करके देखता हूं तो। लेकिन कंफर्मेशन के लिए इसको भी चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर यहां पे पुट कर रहे हैं उसके बाद यही नंबर हमें मिल रहा है इस लॉजिक से, तब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्लस 3 एक बार किया है मतलब एक बार प्लस किया है, एक अगली बार गुना, तो प्लस 3 गुना 5 तो अगली बार क्या होगा प्लस 7। ठीक है इस पर गुना साफ करो, सॉरी प्लस 7 75 प्लस 7 कितना होता है 82 82। अगर ये सब चीजें ठीक है इस तरीके से आ रही है तो 80 से तो यहां पर 82 से 738 कैसे है, तो 82 से 738 में देखो 80 से देखो 8 7 56 8 8 64 8 9 72 80 गुना 9 तो होता है 720 और ये नंबर 738 है, तो 82 गुना 9 करके देखें, अगर 82 गुना 9 9 दुनी 18 का 8 आंसर आए 1 9 72 73 738 बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी यहां पर गुना 9 किया गया, गुना 9 किया गया। तो एक बात हमने देखी जब 9 आते ही 82 को जब 9 से गुना किया तो 738 मिल रहा है। तो ये ना अब चीज एक आपको समझ आ गई होगी कि जो 3 5 7 जो है ये तो ठीक है प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इस जो ये जो पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न में लॉजिक प्राइम नंबर का नहीं है बल्कि ऑड नंबर्स का चल रहा है। और दो दो ऑड नंबर्स पता है आपको दो दो के गैप पे आते हैं, एक पहले पहला ऑड नंबर आपका एक होता है फिर 3 फिर 5 7 इस तरीके से, लेकिन शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, 3 है 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद क्या मिलना चाहिए आपको, 9 के बाद क्या मिलना चाहिए 11, तो क्या 738 में अगर आप 11 जोड़ दो तो मिलेगा 748, बिल्कुल मिलेगा, देख लो मिल रहा है आपको 738। एक मिनट चेक करते हैं क्या 700 यहां पर कहा गया, अरे क्वेश्चन कहा गया यहां पर, सॉरी 49 है 48 है 49 है गलत लिखा हुआ 749 ठीक है। तो पैटर्न ये चला था ऑड नंबर का, प्लस एक बार ऑड नंबर को प्लस किया गया अगली बार गुना किया गया एक बार प्लस किया गया फिर अगली बार गुना फिर प्लस गुना इस तरीके से, तो पैटर्न बहुत सारे होते हैं बट ये सिलेक्टेड पैटर्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 35th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 35th क्वेश्चन में, 35th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 35th क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है, 23 है 29 है फिर 31 है फिर आपका 37 है 41। अच्छा एक बात बताओ 2 3 5 7 11 13 17 19 ये क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर होते हैं, और ये सीरीज देखो हमेशा ना दो तरीके से दिमाग लगाया जाता है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो आपको ऑड नंबर इवन नंबर प्राइम नंबर सब पता होते हैं, तो ये सीरीज चल रही है 23 के बाद 29 29 के बाद 31 यहां तक देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए और यहां से नहीं पता लग रहा आगे बढ़ जाओ 31 के बाद देखो 32 33 34 35 36 37 ये सभी के सभी नंबर जो है कौन से है प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो देखो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है 37 के बाद प्राइम नंबर आता है 41 41 के बाद 43 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 47 इज द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही थी कौन सी सीरीज थी आपकी प्राइम नंबर की सीरीज थी, तो आपका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा 47 इज द राइट आंसर, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो होगा आपका 36 क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपने कर दिया, अब चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर, 36 7 8 इन 40 के 40 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, आपका 2 से 3 जो क्वेश्चन है कंफर्म है इस पैटर्न पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 36 फिर आएगा 37 और फिर आएगा आपका 38 35 क्वेश्चन अभी तक हम कवर कर चुके हैं, 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या दिया है देखो 432 फिर है 413 फिर है 396 फिर है आपका आप यहां पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है फिर है 368 फिर है 357 फिर है 348 ठीक है। 37 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 37 क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये देखो ये है 45 लिखा है फिर 49 लिखा है फिर लिखा है 57 फिर लिखा है यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा है उसके बाद है 105 फिर 169 38 क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन आपका 38
38 क्वेश्चन तक करते हैं। बताओ ट्राई करो, सिर्फ मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अपने अपना टाइम लीजिए 2 मिनट का, और इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी कीजिए। वीडियो चाहे लेंथी हो, बट आपको लेंथी इसलिए क्योंकि आपको चीजें समझाई गई हैं, उन क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की उनको कोशिश करो। आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ऑप्शन दूं, कि ऑप्शन आपका ए जो है वो है 365, फिर बी ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है 386, फिर सी ऑप्शन है आपका 375, तो डी ऑप्शन है आपका 381। बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे दिए। जल्दी से करो, बताओ क्या आएगा। नहीं हुआ, चलो क्या सर 381, गुड, लेकिन टाइम ज्यादा लगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को, इसमें भी आप कुछ सीखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सिखाना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या आएगा वो आपसे पूछा है, और आपको ऑप्शन में अगर ध्यान से ऑप्शन को चेक करोगे 300 के साथ ही नंबर्स लिखे हुए, मतलब 300 तो है ही हर एक ऑप्शन में, 300 प्लस कुछ नंबर है, लेकिन 300 तो मिल रहा ही है कि 381, 375, 386, 365, मतलब 300 तो है ही है, तो पक्का जो भी यहाँ पर आंसर है वो 300 में तो आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 9 यहाँ तक सिर्फ ये सब चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ तक चेक करो, मतलब लास्ट के दो डिजिट को उठाकर ही चेक करो। कैसे चेक करोगे, 348 है ना ये 348, मतलब इसको 48 लिखो यहाँ पर, इसको 57 लिखो, इसको 68 लिखो, और यहाँ पर क्या आएगा आपसे पूछा गया, और आगे क्या है 96 है, फिर 13 जो भी है आपका ये नंबर सब। तो देखो 48 और इसके बीच में कितना गैप है, 17 में से 8 गया 9, 4 ये तो 9 आ गया, ये क्या है 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 11, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा उसी हिसाब से पूछा है आपका, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 के बाद 11 यानी 2 का गैप है, ठीक है, 11 के बाद अगर मैं 13 मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और 13 के बाद फिर 15 यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना गैप है 9 का, यहाँ पर 11 का, तो अगर मैं यहाँ पर 13 मानता हूँ तो 68 में अगर आप 13 जोड़ते हो तो कितना मिलेगा आपको, 81 मिलेगा, ठीक है, लेकिन और भी आगे मतलब यहाँ पर 96 आएगा, यहाँ पर कुछ नंबर ऐड करके आप इस पैटर्न से चेक कर सकते हो, यहाँ पर 9 11 13, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए प्लस 15, ठीक है, तो 81 में प्लस 15 करो, 81 में प्लस 15 क्या 5 प्लस 16 8 1 9, बिल्कुल मिल रहा है आपको 96 मिल रहा है, तो यानी कंफर्म हो गया यहाँ पर 81 आएगा, तो 81 वाला ऑप्शन 300 के साथ कौन सा ऑप्शन है 381 बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जरूरी नहीं हमेशा पूरा नंबर लिख के ही आप गैप देखो, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में भी आपको सेम 300 की फॉर्मेट में दिए हुए, समझाने का मतलब ये है, तो आप पूरा नंबर ना लेके लास्ट के दो डिजिट से आप अपना आंसर कंफर्म करो, है ना, तो इससे क्या होता है टाइम बचाना होता है एग्जाम में। आपको पता है कि मेन आपका जो है मकसद वो टाइम बचाना, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके ज्यादा हो उसके लिए जरूरी है ये सभी चीजें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 और 49 में बताओ कितने गैप है, 4 का, इसमें 17 में से 9 गया 8 का गैप है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा उसी के हिसाब से ये आया हुआ है। तो अगर मैं देखूं 4 के बाद 8, 8 के बाद अगर मैं 16 करता हूं तो क्या आएगा आपका 57 प्लस 16 जी आंसर 1 5 6 73, अगर 73 यहाँ पर आया, और मैं फिर 32 करूं 73, क्योंकि देखो मैं अगर डबल मान के कर रहा हूँ कि 4 का डबल यहाँ पे दिया, इसका डबल, तो इसका डबल 32, यानी 73 में अगर आप
32 जोड़ते हो, 3, 2, 5, 7, 3, 10, 105 बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि पैटर्न कौन सा चल रहा है, डबल हो रहा है। चार पहले लिखा है, फिर चार का डबल लिखा है, फिर आठ का डबल, फिर 16 का डबल, यानी ठीक है, यानी हमारा बिल्कुल सही है अज्यूम। यहाँ से भी चेक कर दिया हमने, 105 या 73 में आपने सॉरी 32 जोड़ा, 16 का डबल 32 जोड़ा, तो आपको 105 मिला, बिल्कुल कंफर्म होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो 33, 34, 30 इसमें क्या चल रहा है, तो 33 और 34 में देखो कितने गैप है, एक का प्लस वन का। 34 से 30 हुआ किस तरीके से, माइनस चार करके, ठीक है। फिर 30 से 39 हुआ कितना जोड़ने पे, प्लस नाइन। फिर 39 से 23 हुआ कितना कम करने पे, 9 में से 3 गया 6, 3 में 2 गया 16 कम करने पे, ठीक ठीक है। उसके बाद 23 से 48 हुआ कितना जोड़ने पे, 23 से 48 हुआ, देखो ध्यान से, फिर से 33 से 34 हुआ प्लस वन करके, 34 से 30 कैसे हुआ माइनस चार करके, 30 से 39 कैसे हुआ प्लस नौ करके, 39 से 23 कितना हुआ कैसे हुआ माइनस 16 घटा के, 23 से 48 कैसे होगा फिर, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो प्लस 25 करके। आपको कुछ नजर आ रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, ये अगर यहां से नहीं पता चल रहा, यहां से तो पता लग जाएगा स्क्वायर, यहां से पता लग जाएगा स्क्वायर, तो अगला जो होगा आपका पक्का ये जो आया नंबर ये वाला, ये कैसे है प्लस 25 करके, 48 से 12 कैसे हुआ माइनस 36 करके। फिर अब आपको कुछ समझ आ रहा है, एक यानी एक का स्क्वायर, चार यानी दो का स्क्वायर, नौ यानी आपका तीन का स्क्वायर, 16 यानी चार का स्क्वायर, 25 यानी पांच का स्क्वायर। तो अगला जो भी नंबर, ये तो है ही आपका 6 का स्क्वायर, तो अगला जो भी नंबर आएगा वो पक्का 7 का स्क्वायर होगा। लेकिन लॉजिक किस लॉजिक से, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 36 अगर माइनस में है तो 77, 49 जो आएगा यहाँ पे वो प्लस में होगा, प्लस यानी 12 में, 12 में अगर 49 को जोड़ोगे, 9, 2, 11 का एक आंसर, 1, 4, 1, 5, 6, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 61 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, 61 इज द राइट आंसर, ठीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर चलते हैं हम अपने लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपने 39th क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को मजा आ गया हुआ क्वेश्चन को करके, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे पैटर्न पे हैं, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उनसे उठाए हैं, ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। ये अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं कराता हूँ इन सभी क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीजें, जो कॉन्टेंट मेरा जो होता है सारा सारा अपडेटेड होता है, तो कॉन्टेंट की ओर से आप बेफिक्र हो सकते हो, कॉन्टेंट जो है आपको ऐसा ही मिलेगा। चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 है 3, 7, 13, 25, 47, 83 और आगे क्या आएगा आपसे पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है 34, 50, 67, 90 और यहां पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है, और अगला है 160। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो 3 से 7 कैसे, 3 × 2 = 6 + 1 = 7 इस तरीके से आ सकता है। अगला 7 × 14 - 1 = 13 इस तरीके से आ सकता है। 13 × 26 - 1 = 25 25 × 50 देखो यहां तक तो ठीक चल रहा था। 3 × 6 + 1 देखो 3 × 6 + 1 = 7 7 × 14 - 1 यानी गुना दो। यहां पर क्या पैटर्न चल रहा था, गुना दो माइनस एक, यहां पर क्या चल रहा है गुना दो, सॉरी यहां पर गुना दो प्लस एक चल रहा है, यहां पर गुना दो माइनस सिक्स कर रहा था। तो ये सेम पैटर्न अगर बाकी चीजों में फॉलो करें तो हाँ लॉजिक ही चल रहा है। 13 × 26 - 1 = 25 लेकिन सुई अटक यहाँ पे, 25 × 50 माइनस एक नहीं है, लेकिन 25 × 50 माइनस तीन का गैप आ गया। यानी ये पैटर्न जो है हमारा लॉजिक जो हम फॉलो करवाना चाहते थे वो फॉलो नहीं है, यानी यहाँ पर मेरे भाई कुछ और चल रहा है, गुना दो प्लस वन या फिर गुना दो माइनस का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा, यहाँ पर कुछ और चीजें काम कर रही है। तो देखते हैं भाई 39 क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। चलो गैप देख लेते हैं, प्लस चार का है, प्लस छ का है,
ये है आपका आज से 3 गया 2, 2 में से 1 12 का, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 10 22 का, ठीक है। 13 में से 7 गया 6, 7 में 4 गया 3, यहाँ पे क्या आपसे पूछा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से 4, 6, 12 नहीं पता लग रहा, आप सीधा गैप लो, प्लस 2 का गैप, 6 से 12 प्लस 6 का गैप, फिर ये प्लस 10 का गैप, ठीक है। इसमें 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 14 का गैप, ठीक है। अभी भी नहीं पता चल रहा, तो अगेन आप ले लो ये क्वेश्चन, कुछ ये 40 क्वेश्चन को मिटाते हैं, बाद में देखेंगे इसको। 4 का गैप है, 6 से 10, 4 का गैप, अब पैटर्न पता लगा, 10 से 14, 4, यानी जब हमने स्टेप वाइज इसको देखा तो हमें देखा कि लास्ट में 4, 4, 4, 4 ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो भी आपको 4 को ऐड करने के बाद आएगा, यानी 18। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, तो 36 प्लस 18 करो, 18 प्लस 36, 8 से 14 का 4 आंसर आया एक, यानी 54 यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब 54 को 83 में ऐड करो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप पैटर्न पहचान चुके हो, +4, +4, +4 स्टेप वाइज फॉर्म बना के 83 प्लस 54, 4, 3, 7, 8, 5, 13, 137 इज द राइट, 137 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, 40th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वो क्या है देखते हैं। 34 है, 39 है, 50 है, 67 है, फिर 90 है, फिर क्या आएगा आपसे कुछ है, और अगला 162 है। जल्दी से पहचाना पैटर्न को क्या है, जल्दी से इस पैटर्न को पहचानेंगे क्या है, गैप देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, 39 में से 34 गया 5, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 गैप है, 7, 6 में 5 गया 1, 17 का गैप है, ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 नहीं पता लग रहा, आगे देखो, ठीक है, 6 का गैप, इस तरीके से पता लगा, 6 का गैप है, यहाँ पर भी 6 का गैप है, तो अगला जो भी नंबर होगा 6 का गैप होगा, प्लस 6 करो, 30, 6, 29, ठीक है, 90 प्लस 29 कितने होते हैं, 90 प्लस 29, 9, 9, 2, 11, 119 होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में ना आपके ऑप्शन पता है क्या दिया है आपको, ऑप्शन ए दिया है आपको 121, बी ऑप्शन दिया आपको 127, सी ऑप्शन दिया 158 और डी ऑप्शन आपको दिया है 190। यहां पर देखिए ये ऑप्शन आपके 119 तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, ऑप्शन आपको ये दिए हुए, यानी हम जो लगा रहे हैं लॉजिक ये गलत लॉजिक है, जो आपके लॉजिक इसमें आपने गैप लगाया, ये गैप स्टेप मतलब बनाया, ये गलत है, यानी एग्जामिनर चाहता है आप इसी में से बता दो, इसी स्टेप से बता दो कि क्या चल रहा है इस पैटर्न। तो देखो आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर आगे ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो लेकिन इस सीरीज में देखो गैप प्राइम नंबर का कहां से शुरू है, 5 का, 5 के बाद देखो आता है 7, लेकिन 7 को नहीं लिया, क्या लिया, 11 को, यानी 1 का गैप, फिर 11, फिर 13 को नहीं लिया, 17 को लिया, फिर 19 को नहीं लिया, 23 को लिया, यानी क्या कर रहा है, प्राइम नंबर का ये जो स्टेप में चल रहा है ये प्राइम नंबर का स्टेप चल रहा है, लेकिन एक प्राइम नंबर को छोड़ के। तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27 इसमें भी तो है, 19 ठीक, ये तो हमने अपने आप से, तो 23 के बाद देखो प्राइम नंबर क्या है, 29, लेकिन 29 को नहीं लेना, जैसे इन्होंने एक अल्टरनेटिव नंबर्स को छोड़ा प्राइम नंबर को, आपने भी छोड़ देना, 23 के बाद 29 को छोड़ दो, 31 को लगाओ, तो यहाँ पर बस 31 करो, तो देखो आपका 121 और 121 ऑप्शन में अवेलेबल बन गया, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 121 इज द राइट आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली सीजीएल टायर 2 के लिए मैंने नंबर सिस्टम का एक 2 वीडियो आपके सामने डाली है,
आप इसको अच्छे से देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि देखिए टाइम तो उतना ही दिया जाएगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा होंगे, टाइम तो हर एक एग्जाम में आपको पता उतना ही मिलेगा, है ना, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, तो छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं, और ये चीजें कैसे पहचानोगे आप, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करो, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बेस होता है, तो इन्हीं सब इन सभी क्वेश्चंस को जो भी मैं आपको सीजीएल टायर 2 के लिए करा रहा हूं, इनको देखो, आपकी आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो गया, और एक बार सभी मेरे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, फाड़ देना यार एग्जाम को, मैं तो इतना कर दूं, फाड़ गया ना पूरा, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, एक बार सभी भाइयों को अगेन बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, कि आप जाइए बस ईश्वर से ही प्रार्थना करके जाइए कि हे ईश्वर, जो भी मैंने पढ़ा है अपना बेस्ट पढ़ा है, बस आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ, एक बार सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और हाँ इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक बार सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरा राधे राधे।